पहले ये सवाल हम देखते हैं स्प्रिंग 20 का, डेट इज शेक्सपियर लिमिटेड। इसको हम देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको देखते हैं। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमने इसके देखने हैं रिक्वायरमेंट। कंप्यूट रेलेवेंट रेशियो फॉर SL एंड TL टू असेस विच कंपनी सीम्स टू। हमने बताना है इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने कस्टमर्स को ज्यादा इंसेंटिव्स देगी ताकि टाइम पे करे। अब रेशो देखना किस तरीके से वो आपसे पूछ रहा है और हमने किस तरह से उसको यहाँ पे बताना है। उसके अलावा कौन सी कंपनी है जो अपने सप्लायर से एक्सटेंडेड टर्म्स लेगी ज्यादा, उसको देखने के लिए हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद कौन सी कंपनी है जिसने अपना कैपिटल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से इसको लगाया हुआ है, इसको डिप्लॉय किया हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। रेशोस किसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बेहतर है, किस कंपनी के अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो लोअर करनी पड़ेगी मार्केट का शेयर गेन करने के लिए। उसके बाद किस कंपनी की अबिलिटी उसके एसेट्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के ज्यादा है, एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ देख लेंगे। कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रही है और कौन सी कंपनी के पास एबिलिटी ज्यादा है कि वो आराम से बैंक से लोन वगैरह सिक्योर कर सकती है। ये अब इसने जो रेशियोस पूछी हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं गेयरिंग रेशियो की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो की बात की है। हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इज एसेट इन टू प्रॉफिट जो है यहाँ पे ये रिटर्न ऑन एसेट्स, हाँ ROA की बात कर रहा है कि अगर हमने 100 के एसेट्स लगाए कितना हमें रिटर्न मिल रहा है। लिक्विडिटी पोजीशन की बात कर रहा है और ये लिक्विडिटी में हमने बात की है कि हमें करंट रेशियो और हमें क्विक रेशियो दोनों ही यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। उसके बाद किस कंपनी को अपने सेलिंग प्राइसेस लो करनी पड़ेंगी मार्केट में अपना गेन वगैरह देखने के लिए। तो सेलिंग प्राइस का हम यहाँ पे GP रेशियो निकाल सकते हैं, वो हमें बता देगा किसका GP ज्यादा है किसका GP कम है, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। कौन सी कंपनी जो है उसने अपना कैपिटल जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल ले लेंगे। किस कंपनी को अपने सप्लायर से एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स लेनी चाहिए, उस पे जो क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड है हम वो निकाल लेंगे। और किस कंपनी को अपने कस्टमर्स को इंसेंटिव देने चाहिए ज्यादा ताकि वो हमें ज्यादा जल्दी पेमेंट कर दें, ज्यादा इजीली हमें पेमेंट करते हैं, उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो ये रेशियोज हैं। अब रेशियोज वही हैं जो सीधे तरीके से पूछी जा सकती हैं, लेकिन उसने हमसे सीधे तरीके से रेशियो नहीं पूछी बल्कि उसने हमसे जरा घुमा कर रेशियोज पूछ ली है। एनीवेज हम इनको सॉल्व करते हैं कि क्या है और किस तरह से है, अब इनको हम लेके चलते हैं। सवाल है जी, फॉलोइंग आर समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ शेक्सपियर लिमिटेड। ये कोई शेक्सपियर है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने हमें गिवन की है और उसने हमें गिवन की है प्राइवेट लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इसके लिए। हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास इसकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पोर्शन है और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसने बताया हुआ है और हमने रेशियो निकालनी है। सवाल पढ़ के 8 इसकी रिक्वायरमेंट है और मेरे ख्याल से पर रेशियो जो होंगे वो 2 नंबर होंगे। 16 मार्क्स का सवाल है, हम कैलकुलेट करते जाते हैं और हमारे पास जो रेशियो होगी वो आती जाएगी। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, पहले पॉइंट पे हमने जो कैलकुलेट करनी है नंबर 1 के ऊपर इंसेंटिव्स टू इट्स कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम, यहाँ पे हम लेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ये हम डेटर से कितनी जल्दी जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि हम यहाँ पे अपने डेटर्स ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हमारी नेट सेल से और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो साल में है। इसने हमें नहीं बताया तो हम यहाँ पे 365 डेज ले लेंगे। इस फॉर्मूला के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने उनको लेके चलना है। अब यहाँ पे डेटर्स मेरे पास गिवन है दोनों कंपनीज के, इस कंपनी के जो हैं डेटर्स 3200 है और नहीं डेटर्स नहीं आएगा, सेल्स आएगी सॉरी। इस कंपनी की सेल्स जो है वो 16,700 है, इस कंपनी की जो सेल्स है वो 35,400। डेटर्स की बात करें इसके 2700 है, इसको 3200 है, तो हम इसकी जल्दी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा SL, आप यहाँ पे SL लिख लें और यहाँ पे आप TL लिख लें। अब SL की सेल्स कितनी है, SL की सेल्स जो है वो 16,700 है
और उसका डेटर्स कितने हैं, एसएल के डेटर्स हैं 2700 के। आप इसको यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर लें और 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 365 से आपके पास उसका डेज आ जाएंगे। कितने डेज में आप इससे कलेक्ट कर रहे हैं, इसका जवाब क्या आएगा, 59 इसका आंसर आ रहा है। 59 डेज, राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं हम इसको, ऐसे लेके चलते हैं। उसके बाद दूसरा पकड़ते हैं, उसके सेल्स 35400 है और उसके डेटर्स जो हैं वो 3200 के। इसकी सेल्स जो है वो 3200 के, इसके डेटर्स हैं और 35400। इसको 365 से मल्टीप्लाई करें तब क्या जवाब आएगा, 32.99। इसको 33 कर लेते हैं, राउंड ऑफ करके चलते हैं, 33 दिन है। अब इसने सवाल किया था कि बताएं जी कौन सी कंपनी, विच कंपनी सीम्स टू, हमें क्या लग रहा है कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने कस्टमर्स को इंसेंटिव दे रही है कि वो टाइमली पे करें। अब ये एसएल को पेमेंट हो रही है 59 डेज में, इसको पेमेंट हो रही है 33 डेज में, तो खुद बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही होगी अपने डेटर्स को, भाई तुम पेमेंट कर दो। ऑब्वियसली टीएल, यहाँ पे हमें लग रहा है जिसके डेज कम है वही अपने कस्टमर्स को पुश कर रही है जो पाए ना, हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, हम तुम्हें इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप हमें टाइमली पे कर लो, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी होगी, टीएल होगी। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू पे हम चलना है। यहाँ पे है कि कंपनी जो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ले ले फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर्स, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिटर्स ओवर परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। तो याद है कि हमारे पास क्रेडिटर्स जो हमने परचेजेस फॉर द ईयर किए होंगे वो पकड़ेंगे, इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे एसएल ने कितनी की है, एसएल की बात करते हैं। एसएल की हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्या हमारे पास परचेजेस गिवन है, परचेजेस हमारे पास गिवन नहीं है, हम परचेजेस चाहे तो निकाल सकते हैं वैसे इजीली। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैं उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से परचेजेस निकाल सकता हूँ अगर चाहे हम। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं है, तो वो हम अब नहीं निकाल सकते कि मैंने परचेजेस फॉर द ईयर कितनी की है। तो इसलिए क्या होगा, जब हमें नहीं पता तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल क्या कर लेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे और हम उसको ले लेंगे। जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हम उससे क्या करेंगे कि इतनी हमने परचेजेस की थी और वो भी हमने बेच दी है, हम उसको यहाँ पर रख लेंगे, तो वो जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो ही हमारी परचेजेस कंसिडर हो जाएंगे। तो अगर हम एसएल की बात करें, एसएल के जो क्रेडिटर्स हैं वो 2900 हैं, एसएल की जो परचेजेस हैं वो 11400 हैं। 2900 डिवाइड बाय 11400 मल्टीप्लाई बाय 365। और अगर हम टीएल की बात करें, टीएल की क्रेडिटर्स जो है वो 4500 हैं और उसकी परचेजेस 2700 है, 4500 2700, इसको 365 से मल्टीप्लाई करो, इसे कितने डेज आएंगे, एसएल के डेज आ रहे हैं 92.8 और टीएल के डेज कितने आ रहे हैं, 59 डेज आ रहे हैं, 59.08 ये डेज आ रहे हैं टीएल के। अब बताओ किस कंपनी को लग रहा है उसने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ली हुई है, तो उसको उसके सप्लायर्स ने कहा है कि ठीक है हम तुम लेट हमें पेमेंट कर देना, कोई मसला नहीं है। अब आपके सामने एसएल जो है वो 92 दिन में पेमेंट कर रही है, ये पेमेंट कर रही है 59 डेज में, तो इसका मतलब यहाँ पे एसएल जो है इसने एक्सटेंडेड टर्म्स ली हुई है कि ये क्या कर रही है, ये लेट पेमेंट कर रही है, ये इतनी लेट पेमेंट नहीं कर रही, ये 92 दिन में पेमेंट कर रही है और ये जो है ये 59 डेज में पे कर रही है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है इसने अच्छा निगोशिएट किया हुआ है अपने सप्लायर से कि उन्होंने इसको 92 डेज का टाइम दिया है कि तुम 92 डेज के अंदर जो हमसे उधार में परचेज करोगे तुम उसकी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है, विच कंपनी इज सीम्स टू बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल, कौन सी कंपनी अपना कैपिटल जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर रही है
वो उसने एम्प्लॉय किया हुआ है, उसको हमने लेके चलना है। यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड करेंगे हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट है 15,500 SL का, लेकिन इसमें फाइनेंस कॉस्ट लेस की गई है, तो हमें ये तो ऐड करनी पड़ेगी ना। तो अगर SL की बात करूँ, इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 15,500 जमा 250, ये इसका क्या बनेगा, ये इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन रहा होगा। और फिर हम इसके कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, हमने सर कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ था, तो इसका कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है वो क्या होगा, वो इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कहला रहा होगा 8400 + 1900। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा कर लेते हैं, दूसरे का था प्रॉफिट 2100, 600 फाइनेंस कॉस्ट थी, 2100 जमा 600, इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना TL का 9450 + 4600। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा, इसका बन रहा है 17.47%, इसका बन रहा है 19.217%। तो किस कंपनी ने ज्यादा बेहतर तरीके से अपना कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है, the higher the ratio the better one। तो यहाँ पे TL जो है वो ज्यादा efficient लग रही है, वो अपने capital के ऊपर उसने return ज्यादा अच्छे तरीके से generate किया होगा। अच्छा, GP ratios जो चौथी इसकी थी, that was हमने देखना है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने अपना selling price जो है वो low रखी हुई है, ताकि वो market का share जो है उसको gain कर सके। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपने इसी पर्सपेक्टिव से इसको इंटरप्रेट करना है कि किस कंपनी ने अपनी सेलिंग प्राइस कम रखी हुई है मार्केट शेयर गेन करने के लिए। तो यहाँ पे आइडियल जो है वो जीपी रेशो बनती है। अगर हम SL का जीपी रेशो निकालें, क्या आएगा जवाब इसका, 31.74। और इसकी रेशो निकालें, इसकी जीपी कितनी आ रही है, 21.6%। अब ये हमारे पास आ गया, अगर आप जाके इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना, एग्जामिनर कमेंट्स, ये वाली रेशियो की जो इंटरप्रिटेशन थी ये ऑलमोस्ट मेजोरिटी लोगों ने गलत की थी। अब यहाँ पे इन्हें लिखा हुआ है कि जिसकी रेशियो ज्यादा है वो बेहतर है, बट ऐसा नहीं है। अब आप देखो, जिसकी कीमत, जिसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी उसका जीपी ज्यादा होगा या कम होगा। It is understood ना, कि जिसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, जो महंगा बेच रहा है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा। जो सस्ती चीज बेच रहा है, जो लो प्राइस के ऊपर बेच रहा है, उसका जीपी रेशियो कम होगी। वो अपनी लो प्राइस के चक्रों में अपना जीपी कम कर लेगा, लेकिन मार्केट शेयर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे यही चीज है कि किसने मार्केट शेयर गेन करने के लिए कोशिश की होगी। अब जिसकी जीपी रेशियो कम है, ये उसकी उसी का काम होगा, वो सस्ता रख के बेच रहा होगा, लेकिन उसने मार्केट जो है वो अट्रैक्ट की होगी। तो यहाँ तो जीपी रेशियो कम किसकी है, TL की। तो TL जो है उसने अपनी सेलिंग प्राइसेस जो है वो लो रखी होंगी, ताकि वो अपना मार्केट शेयर जो है उसको गेन कर ले मार्केट में अपना शेयर बनाने के लिए। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी की हमने ये बात की थी कि जब भी ICAR में आपको लिक्विडिटी का सवाल आएगा, लिक्विडिटी पे हमेशा आपने दोनों रेशियो कैलकुलेट करनी है, आपने करंट रेशियो भी कैलकुलेट करनी है और आपने क्विक रेशियो जो है वो भी कैलकुलेट करनी है, दोनों कैलकुलेट करनी है आपने। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स लेस इन्वेंटरी ओवर करंट लायबिलिटीज। कितनी रेशियो आ रही है इनकी, इसकी रेशियो 2.9 आ रही है, 2.29। इसकी रेशियो क्या आ रही है, अगर ये खाली 2.29 में निकाल लूं
मैं अगर क्विक रेशियो ना निकालू, मैं खाली करंट रेशियो निकाल दू, मेरी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इंटरप्रिटेशन मेरी यही होगी ना कि जी आइडियल रेशियो तो मल्टी टू रेशियो वन होती है, अब दोनों की रेशियो जो है वो टू से ऊपर ही है, दोनों की लिक्विडिटी कंडीशन जो है वो बेहतर है, यही कमेंट करूंगा ना मैं। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है, एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे और आपके हालात बदल जाएंगे, कब? जब आप क्विक रेशियो को निकालेंगे। इसकी क्विक रेशियो कितनी आ रही है? 1.03। इसकी क्विक रेशियो कितनी आ रही है? 0.82। अब बताएं, अब इन दोनों को जब आप देखेंगे तो अब आप लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि किस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो ज्यादा बेहतर है। नाउ आप बताओ कि क्विक रेशियो, इसकी क्विक रेशियो इंक्रीज होने के रीजन क्या है? माइट बी हायर इन्वेंट्री हो। उसकी क्विक रेशियो इंक्रीज होने की रीजन क्या है? माइट बी हायर इन्वेंट्री हो। लेकिन जब सॉरी उसकी करंट रेशियो इंक्रीज होने की रीजन क्या है? हायर इन्वेंट्री हो। लेकिन जब हमने क्विक रेशियो निकाला तो ये हमें बता रही है कि इसके एसेट्स इतने हैं जिसके लायबिलिटीज को कम कर दो, पे कर देंगे। लेकिन इसकी हमने निकाली वो लेस देन वन आ गई है, इसका मतलब एसएल की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू टीएल। तो अगर आप इसके एग्जामिनर कमेंट्स में जाएंगे, जो सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक थी वो इस लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर थी, ये बच्चों ने गलत कैलकुलेट की थी, एक ही कैलकुलेट की थी, करंट रेशियो क्विक रेशियो के पर्सपेक्टिव में उन्होंने नहीं बताया था। जब भी आपने लिक्विडिटी पे कमेंट करना है तो आप दोनों रेशियोज के पर्सपेक्टिव से कमेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद है, विच कंपनी हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू प्रॉफिट। हमने रिटर्न ऑन एसेट्स यहां पे देखना है। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम लेते थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसने यहाँ पे हमें एसेट्स के बारे में नहीं बताया, करंट के नॉन करंट, हम यहाँ पे टोटल एसेट्स ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम रिटर्न ऑन एसेट्स निकाल लेंगे। अब आप आ जाए एस एल के ऊपर, एस एल के टोटल एसेट्स कितने हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स मिला के? These are 14,100। लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, भूल ना जाए। और इसके टोटल एसेट्स इन टीएल के वो है 18,900 पे, ये भी हमने लिख लिए। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेने, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये नेट प्रॉफिट है इसमें ये ऐड कर देंगे, ये नेट प्रॉफिट है इसमें ये ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 1550 जमा 250, और यहाँ का था 2100 जमा 600 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपके पास आ जाएगा जी रिटर्न ऑन एसेट्स, इसका कितना है और इसका कितना है? एसएल का आ रहा है 12.7%, इसका कितना आ रहा है 14.29%। तो कौन सी कंपनी ने अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही है? टीएल, बिकॉज उसका एसेट्स का जो है वो ज्यादा है। दैट्स व्हाई क्या है, दैट्स व्हाई हमारा वो उसका रिटर्न जो है वो ज्यादा आ रहा, ठीक है। उसके बाद सातवां, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली, कौन अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है ऑपरेट? तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल कर लेंगे, तो 3500 डिवाइडेड बाय 16,700, सातवीं रेशियो है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 3500, और उसका है था कितना, 16,700। उसके बाद इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4900 है और उसकी सेल्स 35,400। अब आप बता लें इसके कितने बन रहे हैं? इसके 20.96% बन रहे हैं,
नाइन फाइव सॉरी नाइन फाइव कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और इसके 13.84% बन रहे। सवाल था कि कौन सी कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा एफिशिएंटली कंट्रोल किया, कौन सी कंपनी है जिसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कम है, उसने अपने एक्सपेंसेस को क्या किया हुआ है, ज्यादा बेहतर तरीके से उसको लेके चल रही है, ज्यादा बेहतर तरीके से उसने उसको टेकअप किया हुआ है। यहाँ पे टीएल है, और आखिरी हमारे पास आ जाएगी, द लास्ट वन इज विच कंपनी हैज हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर, जिसकी डेट टू गियरिंग रेशियो कम होगी, उसके बारे में हमने यहाँ पे बतानी है कौन सी और कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता है गियरिंग रेशियो निकालने का दो फॉर्मूले होते हैं, हम लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं डेट टू इक्विटी, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डेट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं डेट टू इक्विटी से, तब भी हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर 50% के करीब हो तो हम कहते हैं हाईली गियर्ड है, जितना वो कम हो हम उसमें लेके चलते हैं, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। आठवीं जो हमारे पास आएगी वो गियरिंग रेशियो या लीवरेज रेशियो जो होगी वो आ रही होगी, इसका फॉर्मूला होगा जो आपने लोन लिया होगा वो उसको डिवाइड कर देंगे लॉन्ग टर्म लोन से, प्लस जो आपकी इक्विटी का पोर्शन होगा उससे डिवाइड करेंगे, आपकी रेशियो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म लोन जो लिया हुआ है वो 1900 का लिया हुआ है, और इस पे आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है 4600 का, लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका 1900 आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, इसकी इक्विटी जो है थी वो 8400 थी, और जो लोन है वो आपका 1900, उसकी इक्विटी 9450 है और लोन 4600 है। अब इसको सॉल्व करने, जिसका आंसर नियर टू 50 होगा वो हाईली गियर्ड अप होगी, जिसका आंसर कम होगा वो उतनी लो गियर्ड अप होगी। पहले वाले का आंसर आ रहा है 18.44%, दूसरे वाले का आंसर कितना आ रहा है 33%। इसका मतलब ये टीएल ने ज्यादा लोन लिया हुआ है, एसएल का लोन कम है, तो इसका मतलब अगर फ्यूचर में एसएल ने लोन लेना हो एसएल के लिए ज्यादा इजी है, बिकॉज इतनी ये गियर्ड अप नहीं है, ये जो कंपनी है ज्यादा गियर्ड अप है, इसने जो लोन है वो ज्यादा लिया हो। तो ये हमारा सवाल था 16 नंबर का, एंड अगर आप देखें तो ये सवाल मुश्किल लग रहा होता है एग्जामिनर कमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, बट इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किया।